नमस्कार, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि मिराकास्ट या डिस्प्ले मिररिंग जो कि हमारी फायर टीवी स्टिक पर जो ऑप्शन दिया गया होता है वो क्या है, कैसे काम करता है और हम कौन कौन से प्रोग्राम्स का आनंद हम उस पर ले सकते हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो वो एक जब उसकी बात ही यही है कि वो डिस्प्ले मिररिंग, तो जितना भी आपका डिस्प्ले जो भी आपके फ़ोन पे है वो आप उसको मिरर करते हो अपने टीवी की स्क्रीन पे, वो भी फायर टीवी स्टिक के थ्रू। तो जितना भी कंटेंट आप उस पर प्ले करोगे, यूट्यूब पे प्ले कर लो या आप कोई गेम खेल रहे हो वो आपको देखना है उस पर आप देख सकते हो। यहाँ ब्लूटूथ काम में नहीं आता है, यहाँ काम में आता है वाईफाई। अब सब चीज़ों के बारे में मैं एक एक करके डिटेल में समझाता हूँ। करना क्या है इसके लिए, सबसे पहले तो अपने रिमोट से, जो फायर टीवी स्टिक का रिमोट है उससे हम जाएंगे सेटिंग्स में। तो ये हमारी सेटिंग्स में, जैसे ही हम आएंगे तो यहाँ पर ये सारे ऑप्शंस खुल के सामने आते हैं। तो हमें जाना होगा नेटवर्क पे, तो नेटवर्क पे जाकर के हमको वाईफाई सिलेक्शन देखना है कि जो भी वाईफाई हमारा सेलेक्टेड है सेम वही फ़ोन पे भी हमारे सेलेक्टेड होना चाहिए। तो अब आजकल जो भी राउटर्स आ रहे हैं उनमें 2.4 GHz और 5 GHz दो का ऑप्शन दिया गया होता है। अब जैसा कि यहाँ पर मेरे पास इस वक्त 2.5 GHz और 5 GHz दोनों अवेलेबल हैं, तो मैं इसको अभी फ़िलहाल 2.4 GHz पे ही रखता हूँ। वैसे बेहतर होगा कि आप इसको 5 GHz पे रखें, लेकिन 5 GHz का जो सिग्नल है मेरी फायर टीवी स्टिक काफ़ी पीछे अंदर की तरफ है तो वहाँ तक प्रॉपर सिग्नल नहीं जा रहा है, तो वो बीच में वो सिग्नल ब्रेक हो सकता है। तो इसलिए मैं उसको देखिए यहाँ से भी बार बार कभी आता है कभी जाता है, ऊपर नीचे हो रहा है, तो वो इसलिए मैं उसको सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ। और जो 2.4 GHz पे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, 2.4 GHz पे ही मैं अपना फ़ोन को भी जो उसका वाईफाई है उसको 2.4 GHz पे रखूँगा। तो जैसे कि भी ये फ़ोन है मेरा यहाँ पे, इसमें हम ये इस वक्त 5 GHz पे शो कर रहा है, इसको चेंज करके मैं 2.4 GHz पे डाल देते हूँ। तो अब ये और वो दोनों हमारे 2.4 GHz पे सेलेक्ट हो गए, फ़ोन भी हमारा 2.4 GHz पे हो गया और अब हमारा ये भी कनेक्टेड है 2.4 GHz पे। अभी चलते हैं वापस से डिस्प्ले एंड ऑडियो पे, जाएंगे इनेबल। अभी ये यहाँ पर लिखा हुआ दिखा दिया इसने कि भैया तुम कर सकते हो, तो आ जाते हैं अपने फ़ोन पे। फ़ोन में जाने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे सेटिंग्स। अब जब सेटिंग्स आ जाएंगी तो इनको देखते हैं इसमें कि कास्ट करके टाइप करके देखते हैं कि कुछ आता है क्या। कास्ट, तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कास्ट वायरलेस डिस्प्ले, कास्ट विद स्क्रीन ऑफ, तो ये कुछ तीन हमको दिख रहे हैं। तो एक तो हो गया जो हमने सेटिंग में सर्च किया, फिर दोबारा से अगर हमको सर्च नहीं करना है और जानना है कि कहाँ से इसको हम देख सकते हैं, तो अगर हम यहाँ जाएँ तो ये कनेक्शन एंड शेयरिंग हमको शो करता है। तो हम इसमें अगर देखें तो हमको यहाँ नीचे की तरफ मिल जाता है वायरलेस डिस्प्ले, तो यहाँ से हम इसको ऑन करेंगे तो भी ये हमको शो करेगा कि क्या क्या है हमारे पास जो हम जिससे कनेक्ट कर सकते हैं, तो ये वहाँ कनेक्ट हो जाएगा। तो देखिए वहाँ पर ये कनेक्ट हो गया। अब यहाँ हम देख सकते हैं हमारी फायर स्टिक का नाम आ रहा है, मैंने नाम ब्लर कर दिया है, बट जो भी नाम से आपकी फायर स्टिक होगी वो यहाँ पर शो करेगी। अब वापस आ जाते हैं अपने फ़ोन पे। दूसरा तरीका क्या है, तो दूसरा तरीका जैसे कि हमने कास्ट देखा था कि उसमें कास्ट कुछ आ रहा था, वो क्या था, तो यही कनेक्शन एंड शेयरिंग में ये कास्ट लिखा हुआ है। तो यहाँ जा करके जब हम ऑप्शंस देखेंगे तो ये शो करेगा कि कास्ट स्क्रीन कंटेंट टू एन एक्सटर्नल मॉनिटर, ऑन कर दिया। अब क्योंकि ये ऑलरेडी कनेक्टेड है तो ये हमें शो नहीं कर रहा है, तो हमको पहले डिसकनेक्ट करना पड़ेगा और वायरलेस डिस्प्ले में, और इसको हमने ऑफ कर दिया। तो ये फायर टीवी स्टिक से भी डिस्कनेक्ट हो जाएगा और फिर हमको वापस से इनेबल करना पड़ेगा, तो इस कर देते हैं इनेबल। तो अब अपने फ़ोन पे जाते हैं और जो ये कास्ट पे हम आए थे, सेटिंग्स, कनेक्शन एंड शेयरिंग, कनेक्शन एंड शेयरिंग में फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कास्ट, तो ये कास्ट आ गया। अब कास्ट में हम इसको दबा देते हैं तो अभी ये यहाँ पे हमको हमारी फायर स्टिक शो करने लग गया, हमने अपनी फायर स्टिक कनेक्ट कर ली। तो अब ये पूरी सेम चीज़ जो यहाँ पर दिख रही है वही सेम एग्जैक्टली हमारे टेलीविज़न पे भी हमें दिखाई दे रही है। इस कास्ट में और जो दूसरा मैंने पहले दिखाया था वायरलेस डिस्प्ले शेयरिंग में, तो वायरलेस डिस्प्ले में तो जो भी जैसे ही हम कनेक्ट करेंगे तो जितनी भी चीज़ें हमारे फ़ोन पर एग्जैक्टली सेम जो भी हो रहा वो दिखाई देगा, बट कास्ट का जब हम ऑन करते हैं तो यहाँ पर जो हमारा
स्क्रीन के कंटेंट है वो एक्सटर्नल मॉनिटर पे दिखाई देंगे। तो अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर हम अगर हमारे फ़ोन पे में आते हैं तो फ़ोन पे अगर हम देखें तो यहाँ ऊपर हमको सारे नोटिफिकेशंस और जो भी चीज़ें होती हैं वो सब दिखाई दे रही हैं, बैटरी इंडिकेटर, तो वो सब चीज़ें हमको हमारे टेलीविज़न पर नहीं दिखाई दे रही हैं जो कि फायर टीवी स्टिक के थ्रू कास्ट हो रही हैं। तो यहाँ पर मतलब ये है कि जो भी जिस तरीके का जो कॉन्टेंट है जो आपके जिस जो ऐसे आप कोई एप्लीकेशन यूज़ करोगे या जो भी, तो सिर्फ वही दिखाएगा। अब वही चलते हैं वापस उस पे दूसरे मोड पे जहां पर कि वायरलेस डिस्प्ले की बात मैं कर रहा था। तो पहले डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, फिर दोबारा कनेक्ट करना पड़ेगा, तो ये डिस्कनेक्ट कर दिया मैंने। तो अब वायरलेस डिस्प्ले, तो देखिए पहले क्या था, जब हमने कास्ट के थ्रू कनेक्ट किया था तो तब वहाँ पर नोटिफिकेशंस और जो हमारे जैसे वाईफाई और बैटरी का और सब चीज़ों का सिग्नल है ये सब कुछ नहीं शो कर रहा था। वहाँ पर सिर्फ हमको बाकी जो कंटेंट है हमारे स्क्रीन पे वो शो हो रहा था। और अब जब हम इसको वायरलेसली कनेक्ट कर दिया है हमने तो क्या शो हो रहा है, पूरी की पूरी सारी चीज़ें शो हो रही हैं। तो ये फ़र्क है दोनों में कि ये एक वायरलेस डिस्प्ले की तरह कनेक्ट हो गया कि जितना भी पूरा डिस्प्ले है वो सारा का सारा आपका वहाँ चला जाएगा और कास्ट करेंगे तो कास्ट पर जो चीज़ें कंटेंट होगा हमारा मेन वो जाएगा बजाय कि नोटिफिकेशन और बाकी की सारी चीज़ें। तो अब यहाँ से बाहर आ जाते हैं तो उसके बाद कुछ चला के देखते हैं अपने फ़ोन से कि क्या हम देख सकते हैं और क्या हम सुन सकते हैं। तो जो भी है ये आ रहा है, इसका वॉल्यूम ऑन करके देख लेते हैं कि क्या सुनाई देता है। जो बात है ये देखिए, ये अब कुछ भी हम देख रहे हैं तो वो हमको सुनाई भी दे रहा है और वो दिखाई भी दे रहा है। अब चलते हैं वापस से कास्टिंग में, एक बार चलते हैं, अब इसके बाद चलते हैं बाहर और देख लेते हैं। तो अब जैसा कि हम यहाँ फ़ोन पे देख रहे हैं जो कास्ट हो रहा है तो कास्ट पे एक अलग से ब्लू कलर का सिंबल बन के आ रहा है और हमारे फ़ोन पे ये सारी की सारी जो भी नोटिफिकेशंस हैं वो सब आ रहे हैं। और तो जो भी नोटिफिकेशन होगा तो हमारे फ़ोन पर जो भी, जैसे कि अगर कोई भी नोटिफिकेशन आता है, कोई व्हाट्सएप का मैसेज या कुछ भी, तो वो कास्टिंग यानी कि जो टेलीविज़न पर कास्ट हो रहा है वहाँ पर हमको कुछ नहीं दिखाई देगा, वो सिर्फ हमारे फ़ोन पर दिखाई देगा। तो ये कास्ट हमें कब ऑप्शन चूज़ करना चाहिए, ये कास्ट हमें तब ऑप्शन चूज़ करना चाहिए जैसे कि हम अपने फ्रेंड्स के साथ हैं या किसी मीटिंग में हैं और हमको अपना कोई प्रेजेंटेशन फ़ोन के थ्रू दिखाना है या फ़ोन की प्राइवेसी है उसको बना के रखना चाहते हैं, मेंटेन रखना चाहते हैं। तो उदाहरण के लिए मैं आपको करके दिखा देता हूं। जैसे कि अभी मैं यहां पर ये देखता हूं, तो यहां पर मेरे जो नोटिफिकेशंस हैं वो मुझे यहां दिख रहे हैं बट सेम टाइम पर वो मुझे मेरे यहां पे नहीं दिखाई दे रहे। अगर आप देखें तो अभी यहां पर ये कॉल आ रही है तो जो इसी वक्त अच्छी कॉल आ गई तो चलिए देख ही लेते हैं। तो यहाँ पर जो कॉल आ रही है आप देख सकते हो वही सेम टीवी पे नहीं शो हो रही है। यही कॉल जो मेरे को आ रही है यहाँ, देखो ये कॉल जो यहाँ आ रही है वो मुझे टीवी पे नहीं शो हो रही है। तो ये एक तरीके से हमारा प्राइवेसी के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है कि कास्टिंग के टाइम पर अगर आपको कोई भी कॉल आ रहा है, मैसेज आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, वो नहीं शो होगा। जो जैसे कि अभी ये एप्लीकेशन है कि मैंने ट्रू कॉलर डाला हुआ है तो इसलिए ये शो कर रहा था, अदरवाइज कोई भी कॉन्टेंट जो आपका नोटिफिकेशन में आने वाली चीज़ होगी वो कास्टिंग के टाइम पे हमें नहीं शो करेगी। अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे तो जो भी कॉल वॉल सब कुछ देखना है, मैसेज भी देखना है, तो भैया फिर तो वही है कि अपना हम सेटिंग्स में जाएं। सेटिंग्स में जाने के बाद इसको वायरलेस डिस्प्ले मोड पे लेके जाएं। ये सारे नोटिफिकेशंस जो इस वक्त यहाँ पे हैं मेरे फ़ोन पे पीछे भी शो होने लग गए। तो बेसिकली यही फ़र्क है कास्ट में कि आप अपना कंटेंट छुपा सकते हो। अब कुछ और कंटेंट प्ले करके देख लेते हैं। कोई भी एप्लीकेशन जो भी आपको देखनी हो दिखाई तो वहाँ देगी। अगर आपको अपना मेल देखना है मेल देख सकते हो, इंटरनेट सर्फ करना है आप इंटरनेट सर्फ कर सकते हो, व्हाट्सएप देखना है व्हाट्सएप देख सकते हो, कैमरा ऑन कर करके वो देखना है तो वो भी आप देख सकते हो। अभी कैमरा ऑन करके देखते हैं भाई क्या होता है। कैमरा देखिए, जो भी कैमरे में इस वक्त आ रहा है वो हमको दिखाई दे रहा है वहाँ पे पीछे आप देख सकते हो। थोड़ा सा डिले देखने को मिल रहा होगा, अगर आप देखोगे तो इतना 19-20 डिले रहेगा, डेफिनेटली रहेगा क्योंकि ये कास्टिंग है। और अब जैसे कि सपोज़ कोई गाना सुनना है हमको, तो अभी जैसे हम गाना पे गए तो यहाँ हमारे फ़ोन में अभी हम कुछ भी गाना प्ले कर देते हैं, अभी जो भी बाय डिफ़ॉल्ट है ये प्ले कर लेते हैं। क्या है कुछ कास्ट वास्ट है तो जो भी ऑडियो चाहे वो गाना पे हो चाहे वो फिर स्पॉटिफाई पे हो, स्पॉटिफाई भी चला के देख लेते हैं। स्पॉटिफाई ऑन किया है इस वक्त मैंने, स्पॉटिफाई पे भी कुछ भी जो भी चल रहा है, कुछ भी कास्ट वास्ट हो रहा है जो भी है यहाँ पर रेडियो सामने मुझे ना 2-3 लोग दिख रहे हैं। तो कोई भी ऑडियो हम सुन सकते हैं। तो बेसिकली क्या है कि हमारे फ़ोन को जो हम देख रहे हैं इस वक्त फ़ोन पर वो हमें सब कुछ वहाँ दिखाई दे रहा है
तो जब हम अपने फोन को इस तरह से करेंगे, कोई भी YouTube वीडियो या कुछ भी वीडियो जो आप देख रहे होंगे, तो वो हमको हमारे टीवी पे भी बिल्कुल उसी तरीके से एस्पेक्ट रेशियो में दिखाई देगा। तो हल्का हल्का जो ये आप देख रहे हो पिक्सलेशन, ये वाईफाई के नेटवर्क के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो 5 गीगाहर्ट्ज़ वाला वाईफाई रहता है, अगर हम उस पर अपना सेट करें फायर टीवी स्टिक को और अपने मोबाइल फ़ोन को, दोनों को अगर हम 5 गीगाहर्ट्ज़ पर रखेंगे, तो जो वो पिक्सलेशन जैसा भी आप देख रहे थे उस तरीके का कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है तब भी देखने को मिल जाए, वो नेटवर्क के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कितना, जैसे कि इसमें 3 डंडियाँ आ रही थी, कभी वो 5 हो जा रही थी, फ़ोन में कम है या ज़्यादा है। और एकदम फुल बैंडविड्थ अगर मिल रही है दोनों को, आपको फायर टीवी स्टिक को भी और आपके मोबाइल फ़ोन को भी, तो कोई भी उसमें पिक्सेलेशन आने के चांसेस नहीं रहते हैं। 2.4 GHz पे भी मैंने आपको चला के दिखाया, बहुत स्मूथ, बहुत बढ़िया चल रहा था। ऑडियो भी बिल्कुल सही आ रहा था, बहुत अच्छी क्वालिटी आ रही थी, हर तरीके का ऑडियो उस पर जो भी हम सुन रहे हैं वो बहुत सही तरीके से सुनाई दे रहा था। और जितने भी हमारे अगर होम थिएटर से कनेक्टेड है, तो होम थिएटर में जितने भी फीचर्स हैं, जैसे कि प्रोग्राम मोड्स होते हैं जो मैं आप लोग को बताता रहता हूँ अक्सर ही, जो मुझे काफ़ी पसंद है, तो वो जो ये रिमोट में यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो प्रोग्राम मोड्स होते हैं, ये सारे के सारे प्रोग्राम मोड्स हम यूज़ कर पाएंगे अगर हम कुछ भी देख रहे होंगे प्रोग्राम को। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, बहुत सिंपल सा था, कोई बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं है। और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो नीचे लगे लाइक के बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोगों का बहुत 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 धन्यवाद।